नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और क्विज लेकर आया हूँ रेलवे की, जिसके कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 20 में से हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, यानी कि टोटल हो गए 20 नंबर के क्वेश्चन। और इस 20 में से 15 भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अदरवाइज आपको मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल भी टाइम पास मत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। तो आपका कितना स्कोर आया है ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोचिंग के नोट्स अवेलेबल कराता हूँ सारे सब्जेक्ट को लेकर, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है, सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है, चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, वीडियो को रोको, पॉज करो और इसका आंसर बताओ जल्दी से। अगर आपका आंसर सही होता तो आपका एक नंबर, अदरवाइज आपका जीरो नंबर होगा। तो देखो, 73 का सही आंसर हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे कि सोलर सेल क्या होते हैं? देखो, सोलर सेल आपने देखा होगा ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट्स लगे होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, और किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन। 74 का बताएंगे आप लोग, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो देखो, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादातर यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सही आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सोचोगे क्यों होगा ऐसा आंसर, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पर पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध होती है ये वाली क्वांटिटी, और ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई को दुगनी कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे विशिष्ट प्रतिरोध की, यहाँ पर बात करेंगे रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो इसके लिए देखो, फॉर्मूला लगाओ आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से आपने देखा कि किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर लंबाई दुगनी करी गई है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कि 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप कितने अच्छे हैं, सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई सही आंसर बताएगा तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, जेम्स प्रिंसेप। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये चीज़ भी ध्यान में रखना, वो आपको कमेंट करके बताना है। किसको लाख बक्स की उपाधि दी गई थी? 77 का आंसर आपको बताना है। तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि दी गई थी। 78, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर बदायूं ने ये टिप्पणी की थी? ये आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? बहुत बार रेलवे में पूछा जा चुका है, हो सकता है अब इस बार फिर से रिपीट हो जाए। तो 79 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? एमंड सेन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया क्योंकि वह जानता था, क्या जानता था? जल्दी से बताएंगे 81 का आंसर। ओके, टाइम इज अप। इसका आंसर हो जाएगा मंगोल के आक्रमण से बचना चाहता था, इसी वजह से उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर ली थी। 82 का आंसर बताएंगे जल्दी से, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? 82 का आंसर बताएंगे, 82 का सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती।
मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पूजा पब्लिकेशन की बुक से करवा रहा हूँ, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन आंसर बताएंगे, किस सूफी संत ने कहा है कि हनुज दिल्ली दूर अस्त। 83 का आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। 84, इसका क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया, उमरा वर्ग में किसने सम्मिलित किया था सबसे पहले। सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अनुमूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 20 में से कितने सही हुए, ईमानदारी से बताना। 85 का सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम वेंटिंग। 86, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। कानपुर में किसने किया था और अलग अलग जगह में किसने किया था वो भी याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ये 2014 वाले पेपर में पूछा भी गया था। 86 का आंसर हो जाएगा डी, नाना साहेब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति समृद्ध है, किस चीज से रिलेटेड है। 88, ये हो जाएगा वीडी सावरकर से। काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे, इसका आंसर तो सभी लोग बता लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग इस चीज को मूवीज में या एपिसोड्स में भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताइए, यानी कि 90 का आंसर बताएंगे। ओके, काफी लोग सही बता लेंगे आई होप, शुक्र और यूरेनस। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। 91 का आंसर बताइए, भारतीय मानक समय यानी कि IST निम्नलिखित स्थानों में से किस के समीप से निर्धारित किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि 91 का ए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, 92 का आंसर आप सभी को बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को करने थे, जिसमें से आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दूँ, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है इन सभी का PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप के तरीके होता है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो वहाँ पर मैंने आपको क्या क्या दे दिया है, आप देख सकते हैं, रेलवे का, रेलवे की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही, पूरा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें देखो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा आप देख सकते हैं 9000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 1000 से ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन है, रेलवे के ये क्वेश्चन है। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, देखो पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक, मैं पहले से ही बता चुका हूँ रेलवे के लिए पूजा पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे पैरामाउंट पब्लिकेशन की सभी बुक जो कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैंने शेयर कर रखी है। रेलवे का फ्री में PDF जितना भी होता है, इससे ज़्यादा मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जितना मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की बुक भी मैंने प्रोवाइड करा रखी है, जो कि पूरे लेटेस्ट पैटर्न पर है। और 101 रेलवे के जो टेस्ट होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं, रेगुलर मैं वहाँ पर वीडियो भी पोस्ट करता हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको हर एक वीडियो का जो PDF होता है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। तो इसके लिए आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम को अपने मोबाइल पर सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे गूगल के प्ले स्टोर से जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।